आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक 1000 वाट का एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, आपको ऊपर जो प्लस लाइन दिखाई है दोस्तों, ये पॉजिटिव 70 वोल्ट की लाइन है। दोस्तों आपको जो नीचे लाइन दिखाई है दोस्तों, ये नेगेटिव 70 वोल्ट की लाइन होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इस सर्किट डायग्राम को मैं एक बार आपके सामने डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ये 1000 वाट का एम्पलीफायर है या नहीं। क्योंकि दोस्तों ये 1000 वाट का एम्पलीफायर है या नहीं ये मैं नहीं कह रहा, जहाँ से मैंने इस सर्किट की एसटीडी की है वहाँ पर उनका दावा था कि ये सर्किट 1000 वाट की आउटपुट देगा। तो आप फिर को डिसाइड करना है और कमेंट में बताना कि 1000 वाट का सर्किट होगा या फिर नहीं। हालांकि मैं इसे 1000 वाट का सर्किट बनाकर आपको अवेलेबल वीडियो के अंत में करा दूंगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने इसकी जो इनपुट स्टेज है दोस्तों, यहाँ पर इसे ड्रॉ किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक ऑप एम्प यहाँ पर ड्रॉ किया है। देखिए दोस्तों, इस ऑप एम्प का नंबर यहाँ पर 741 है, यानी 741 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस ऑप एम्प की पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर ये अरेंजमेंट किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसे प्लस और माइनस सप्लाई से एक रिजेक्टेशन के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिजेक्टेशन 5.6 के की होगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 वोल्ट को क्लैंप करने के लिए यहाँ पर एक 15 वोल्ट का जीना डायकोड यूज किया है, प्लस माइनस दोनों साइड। यहाँ पर वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड का यहाँ पर कैपेसिटर लगाया है। तो इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पर हमने यहाँ पर 1 के की रिजेक्टेशन लगाकर इनपुट दी है। और देखिए दोस्तों, ये इनपुट कैपेसिटर यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड का लगाया गया है। और देखिए दोस्तों, जो रिजेक्टेशन ग्राउंड के साथ लगती है इनपुट में, वो हमने यहाँ पर 33 के की लगाई है। दोस्तों इसी के अपक्रॉस में हमने एक 330 पीएफ भी लगाया है। देखिए दोस्तों, ये अरेंजमेंट मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जिस यानी जिनका ये सर्किट डाइग्राम है ये उनके हिसाब से था। मैंने जो सर्किट डाइग्राम बनाया है दोस्तों, वो मैं वीडियो के अंत में आपको बता ही दूंगा। तो आप केवल ये समझिए कि इस प्रकार से इस सर्किट डाइग्राम का अरेंजमेंट किया गया है। तो देखिए साथियों, इस जो ऑप एम्प दिख रहा है दोस्तों, इसमें हमने इनपुट दी। तो देखिए दोस्तों, आपको आउटपुट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक 100 ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई गई है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 18-18 के की रजिस्ट्रेशन लगाकर इन दोनों ट्रांजिस्टरों को सिग्नल फीड किया गया है। और देखिए दोस्तों, इन दोनों रजिस्ट्रेशनों के अपक्रॉस में यहाँ पर 680 पीएफ भी कनेक्ट किया गया है। दोस्तों यदि आप इस एम्पलीफायर में बेस की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी चाहते हैं तो दोस्तों आप इस पीएफ को इग्नोर कीजिएगा। यदि आप ट्रेवल का रिस्पॉन्स अच्छा चाहते हैं तो आप इस पीएफ को यहाँ पर लगा रहने दीजिएगा। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर C273 और दोस्तों यहाँ पर A940 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। और देखिए दोस्तों, इसके एमीटरों को यहाँ पर 100 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। ट्रांजिस्टरों के बेस टू कलेक्टर भी यहाँ पर 200 पीएफ कनेक्ट किया गया है, जो कि इन ट्रांजिस्टरों को अपनी आइडियल फ्रिक्वेंसी में रखते हैं। साथियों, यहाँ पर हमने वाइसिंग वोल्टेज के लिए इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टरों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर 2 डाइकोड एक रेजिस्टेंस का यूज किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डाइकोड यूज किए गए हैं 4007 हैं, और देखिए यहाँ पर 10 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर प्लस में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको माइनस में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ड्राइवर स्टेज की ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, 2073 और 940। तो देखिए दोस्तों, इसके एमिटरों को हमने जोड़ने के लिए यहाँ पर 100 ओम के रेजिस्टेंस लगाइए। और दोस्तों, इसका जो बीच का कॉमन पॉइंट होगा दोस्तों, ये हमारा फीडबैक का पॉइंट होगा। और देखिए दोस्तों, इसकी वेस पर सिग्नल देने के लिए हमने यहाँ पर एक 100 ओम की रेजिस्टेंस यूज की है। ये मैंने नहीं, इस सर्किट में अरेंजमेंट किया गया था। और देखिए दोस्तों, इनके कलेक्टरों को डायरेक्टली सप्लाई से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इस सर्किट का अरेंजमेंट किया गया था। साथियों, यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि ये फीडबैक पॉइंट होता है, जो कि इस ऑप एम्प का नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है दोस्तों, ये फीडबैक का काम करता है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इस फीडबैक पर एक नेटवर्क लगा होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज किया गया दोस्तों, इसी 1 के की रेजिस्टेंस इसी के सीरीज में जुड़कर इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। सर्किट में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं दोस्तों, आप यहाँ पर 63 वोल्ट के कैपेसिटर लगा सकते हैं। और दोस्तों, जो आपको यहाँ पर पावर सप्लाई पर कैपेसिटर दिख रहे हैं, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ये वाले, तो दोस्तों आप ये 100 वोल्ट के कैपेसिटर आप यहाँ पर लगाइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक 56 के की फीडबैक रेजिस्टेंस लगाई गई है, जिसे हमने यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से कनेक्ट कर दिया है।
तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगी हुई थी दोस्तों, यहाँ पर पांच पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर लगी हुई थी दोस्तों। यहाँ पर हम उन ट्रांजिस्टरों को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये साथियों, यहाँ पर हमने पांच पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। तो देखिए दोस्तों, प्लस साइड 5200 और माइनस साइड यहाँ पर 1943 ट्रांजिस्टर लगाई गई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेस रेजिस्टेशन 10 ओम की, यानी सभी रेजिस्टेशन यहाँ पे 10 ओम 1 वाट की होगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एमिटर रेजिस्टेशन लगाई गई है 2.2 ओम की 5 वाट की होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी रेजिस्टेशन जो एमिटर पर लगी हुई है दोस्तों, यहाँ पर सेम वैल्यू की होंगी, यानी 2.2 ओम 5 वाट की रेजिस्टेशन होगी। देखिए साथियों, तो ये सर्किट इस प्रकार से डिजाइन किया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जुअल नेटवर्क भी ऐड किया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जुअल नेटवर्क के लिए पर 104 का एक PFO दोस्तों इसी के सीरीज में एक 10 ओम के रेजिस्टेशन के साथ इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जुअल नेटवर्क करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यदि आप चाहें तो यहाँ पर 1 वाट या फिर 2 वाट के रेजिस्टेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये ड्राइवर बोर्ड और इसका आउटपुट स्टेट डिजाइन की गई है। तो एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आखिर ये 1000 वाट आउटपुट दे सकेगा या फिर नहीं। और यदि आपको लगता है कि ये एम्पलीफायर 1000 वाट की आउटपुट हमें दे सकता है, तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि किस आधार पर और किन तत्वों पर ये 1000 वाट की आउटपुट दे सकेगा। क्योंकि दोस्तों, जो मैं तत्व रखने वाला हूँ आपके सामने, उनसे आप सहमत होंगे या फिर नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों, जो डाटा शीट होती है ट्रांजिस्टर के हिसाब से, तो दोस्तों उस हिसाब से ये तत्व बिल्कुल सही होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे एक पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं, जो 5200 और 1943 होते हैं, तो दोस्तों करीब आपको ये 100 वाट की आउटपुट ही दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे कि 5200 ट्रांजिस्टर डाटा सीट, तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 150 वाट की आउटपुट देखने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हमें 150 वाट की आउटपुट देते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम इन ट्रांजिस्टरों को ऑन करते हैं, यानी एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, तो दोस्तों इनका टेम्परेचर कुछ ही समय में बढ़ जाता है। करीब इनका टेम्परेचर 52-53 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो दोस्तों, इतना टेम्परेचर इन ट्रांजिस्टर को बना रहता है और तब ये रन करते हैं। तो दोस्तों, करीब ये 100 वाट की आउटपुट दे पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर होते हैं दोस्तों, इनके टेम्परेचर के हिसाब से ही इनकी वाट डिसाइड होती है। तो दोस्तों, यदि ट्रांजिस्टरों का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो दोस्तों ये बहुत ही कम आउटपुट हमें दे पाते हैं। तो इस प्रकार से यदि बात करें इस एम्पलीफायर की, तो दोस्तों किसी भी हालत में ये एम्पलीफायर हमें 1000 वाट की आउटपुट नहीं दे सकता। यदि बात करें कि आखिर ये कितने वाट की आउटपुट दे सकेगा, तो दोस्तों करीब 500 वाट की आउटपुट दे सकता है ये एम्पलीफायर। लेकिन दोस्तों, इसमें जिस प्रकार का ड्राइवर सेक्शन यूज किया गया है दोस्तों, उस हिसाब से ये 500 वाट की आउटपुट हमें नहीं दे पाएगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर केवल एक ही ड्राइवर स्टेज यूज की गई है, और दोस्तों दूसरी हमारी वॉइसिंग ड्राइवर स्टेज होगी, जो कि हमने वॉइसिंग के लिए यूज किया है, यानी वॉइसिंग वोल्टेज के लिए यूज की है। तो दोस्तों, इतने कम ट्रांजिस्टरों में ये 1000 वाट की आउटपुट किसी भी हालत में नहीं दे सकती। मान लीजिए दोस्तों कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर 5 पेयर लगे हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 12 पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा दिए, तो क्या ये 1000 वाट की आउटपुट दे सकेगा? तो जी नहीं दोस्तों, क्योंकि किसी भी एम्पलीफायर में यदि हम आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने से उसकी वाट बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों बहुत सी कंपनियां ड्राइवर बोर्ड बनाने में इतना खर्चा नहीं करती, वो डायरेक्टली यहाँ पर आउटपुट ट्रांजिस्टर ज़्यादा लगा देती और दोस्तों वो कह देती कि ये 5000 वाट का एम्पलीफायर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एम्पलीफायर की वाट डिसाइड नहीं होती, उसमें जितने पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, उस हिसाब से उस एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड भी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की वाट निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये वो है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर वोल्टेज गुणे एम्पीयर कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर की वाट निकल आती है। तो देखिए दोस्तों, जिसने भी इस सर्किट डायग्राम को बनाया है, तो दोस्तों उन्होंने इस तत्व को रखा था मेरे सामने कि यहाँ पर जो वोल्टेज यहाँ पर 70 वोल्ट है, तो दोस्तों यहाँ उन्होंने 70 × 15 कर दिया था, तो करीब यहाँ पर 1050 आया था। तो इस हिसाब से ये 1050 का एम्पलीफायर होगा। लेकिन दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की वाट निकली, ना कि एम्पलीफायर की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो सर्किट डायग्राम में बदलाव किए थे, तो दोस्तों वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर जो ओपन के लिए पावर सप्लाई यूज की गई दोस्तों, यहाँ पर जो वहाँ पर पहले 6 to 5 के रेजिस्टेशन यूज की गई थी, सॉरी 5 to 6 के रेजिस्टेशन यूज की गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर
पंद्रह पंद्रह के की दो रेजिस्टर्स लगाई गई है दोस्तों, दोनों ही रेजिस्टर्स यहाँ पर हाफ वाट की होंगी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज को क्लैंप करने के लिए जो जीना डायोड लगाए गए थे दोस्तों, ये सेम अरेंजमेंट किया गया है। तो देखिए दोस्तों इस सर्किट में दो रेजिस्टर्स लगाना मैं भूल गया था, जो कि आपको यहाँ पर रेड कलर से दिख ही रही होगी, क्योंकि यहाँ पर 330 ओम की रेजिस्टेशन होगी। तो देखिए दोस्तों इस सर्किट में तो ऑलरेडी ये रेजिस्टेशन कनेक्ट है। तो देखिए दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं की गई है दोस्तों, ये जो इसकी फाइनल ड्राइवर स्टेज थी, तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसे फर्स्ट ड्राइवर स्टेज बनाया है दोस्तों, यहाँ पर एक और फाइनल ड्राइवर स्टेज को ऐड किया है। तो देखिए दोस्तों जो इसकी फर्स्ट ड्राइवर स्टेज होगी, तो दोस्तों यहाँ पर 5171 ट्रांजिस्टर यूज की गए हैं दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव साइड यहाँ पर 1930 ट्रांजिस्टर यूज की गए हैं दोस्तों। इसके एमीटर को 100 ओम के रेजिस्टेशन के 1 वाट के साथ इसकी फटेक वाली लाइन से जुड़ा है, जो कि उस सर्किट में भी जुड़ा गया था, सिर्फ यहाँ पर ट्रांजिस्टरों के नंबर चेंज की गई हैं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़े हैवी वाट के ट्रांजिस्टर होते हैं, उनका करंट भी ज़्यादा होता है, जो कि हमारे ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर हैं इन्हें अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल ड्राइवर स्टेज में ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं दोस्तों, ये 5242 और यहाँ पर 1962 ट्रांजिस्टर यूज की गई हैं दोस्तों। इसकी एमीटर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 56 ओम 2 वाट की रजिस्ट्रेशन यूज की गई। आप चाहें तो यहाँ पर 3 वाट या फिर 5 वाट की रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर जो वॉइसिंग वोल्टेज के लिए जो डायोड लगाए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वॉइसिंग वोल्टेज जो पहले था दोस्तों, इसमें एक ही ड्राइवर स्टेज लगी हुई थी, तो दोस्तों यहाँ पर 2 डायोड यूज की गए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और हमने ड्राइवर स्टेज ऐड कर दी, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 डायोड वॉइसिंग वोल्टेज के लिए यहाँ पर लगाए हैं। तो देखिए दोस्तों इतने बदलाव हमने यहाँ पर किए हैं। और देखिए दोस्तों जो इसकी जो ड्राइवर स्टेज के जो वॉइसिंग ट्रांजिस्टर आपको दिख रहे हैं A940 और CB73, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके एमीटर पर 100 ओम की रेजिस्टेशन लगी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ये दोनों ही रेजिस्टेशन 1 वाट में लगाई हैं, जिससे कि इन पे यानी इस ट्रांजिस्टर को थोड़ा ज़्यादा करंट मिल सके। तो इतने सारे बदलाव हमने इस ड्राइवर बोर्ड में किए थे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि मेरे बनाया गया ये एम्पलीफायर 1000 वाट की आउटपुट दे सकेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से ये 1000 वाट की आउटपुट आराम से दे देगा, और यदि आपको लगता है कि ये भी 1000 वाट की आउटपुट नहीं दे सकेगा, तो दोस्तों अपने तत्व भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में साझा करते रहिएगा, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि जो आपको वीडियो है वो किस प्रकार की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का आखिर बनाने का मकसद यही था कि आपको पता ये जानकारी रहे कि दोस्तों कितने पेयर की आउटपुट स्टेज पर हमें कितनी वाट देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों यदि आप कभी कोई एम्पलीफायर बोर्ड खरीदते हैं, तो दोस्तों आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दोस्तों कितने पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर पर हमें कितनी वाट मिलती है। क्योंकि दोस्तों यदि आप वैसे ही खरीद लेंगे और कोई आपसे कह देगा कि दोस्तों ये 1000 वाट की एम्पलीफायर हुआ, तो दोस्तों आपका वहाँ पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।